रेप कांड में ब्लैकमेलिंग करने, युवतियों को बंधक बनाने व मानव तस्करी के आरोपी जीतू सोनी पर सरकारी शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस को मिल रही शिकायतों के बाद लगातार पुलिस जांच के बाद मामले दर्ज कर रही है। प्रशासन द्वारा कराड़िया स्थित जीतू की कोठी, बागीता भवन स्थित अय्याशी का अड्डा, माय होम और होटल O2 पर नफ्ती के बाद बुलडोजर की जद में प्रशासन कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। बीस साल से चल रहा था जीतू सोनी का डांस बार। मध्य प्रदेश सरकार से नहीं मिली थी अनुमति। जीतू के रसूख के चलते वर्षों से चल रहा था डांस बार। पुलिस ने लोकस्वामी अखबार को किया सील। लोकस्वामी कार्यालय के बाहर पुलिस की तैनाती। प्रशासन की कार्रवाई के बाद जीतू सोनी फरार। पुलिस ने 20,000 का इनाम किया घोषित। प्रशासन ने कनाड़िया रोड पर बनी जीतू की कोठी जगविला का कच्चा चिट्ठा निकाल लिया है। इसके सरकारी जमीन पर बने होने से तहसीलदार ने नोटिस थमा दिया है। वहीं दूसरी ओर गीता भवन स्थित अय्याशी का अड्डा, माय होम पर कई विभागों की कार्रवाई के बाद नगर निगम का बुलडोजर पंजा मारकर इसे नस्ते नाबूद करने की तैयारी में है। इंदौर के जीतू सोनी और उसके बेटे अमित सोनी व उसके कई कर्मचारी पर पुलिस ने 4 से 5 थानों पर मामले दर्ज किए हैं। फरार जीतू सोनी पर इनाम बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया। तो वहीं मंगलवार को जीतू सोनी पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने पलासिया थाने पर अग्रवाल बंधुओं द्वारा अय्याशी का अड्डे, माय होम में मारपीट कर 20,000 रुपए नगद व सोने की अंगूठी में पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए लूट का मामला दर्ज किया है। इस प्रकरण में अभी तक लगभग जितेंद्र सोनी के ऊपर 6 प्रकरण दर्ज हुए हैं। पलासिया में हाल ही में 394 IPC के तहत इसमें कार्रवाई हुई है, जिसमें जो मित्तल एक फरियादी है उनके द्वारा जो है कि इनके द्वारा माय होम में उसके द्वारा मारपीट की गई और उससे पैसे छीन लिए गए, तो उनके द्वारा जो है इसमें FIR कराई गई है। इसके अलावा इनके ऊपर जो है 5 अन्य प्रकरण जो है विभिन्न जिम्मेदारों में जो है दर्ज हुए हैं, और इसमें लगभग पुलिस के 3 जो है एडिशनल एक्सपीरियंस के अधिकारी जो है लगे हुए हैं, और उनके साथ में KDSP हैं। लगभग 10 से 12 टीम जो है इसमें लगी हुई है, जो कि मूलतः जो विभिन्न जो दस्तावेज मिले हैं या अन्य जो है डिवाइसेस मिली हैं उनके सीजर में लगी हुई है, प्लस जो है इनके जो इनकी तलाशी में है, इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। साथ ही जो है बच्चियां रेस्क्यू की गई हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का प्रकरण इनके ऊपर दर्ज किया गया है, उन बच्चियों की काउंसलिंग चल रही है और उनसे जो है बातचीत पुलिस कर रही है, उसके लिए जो है उनका पुनर्वास जो है पुलिस करने का प्रयास कर रही है। कुछ इस प्रकार के जो है आवेदक पुलिस के पास आए हैं, पुलिस जो है उन आवेदकों का परीक्षण कर रही है और आवेदकों के परीक्षण के उपरांत जो है उसमें विधि सम्मत कार्रवाई पुलिस कर रही है। सर, कितनी टीमें बनाई गई हैं इस पूरे मामले में? इसमें जैसा कि मैंने बताया कि 3 एडिशनल SP और एडिशनल SP क्राइम के नेतृत्व में जो है लगभग 12 टीम काम कर रही है। एक एक एडिशनल SP के बाद 3-3, 4-4 टीमें हैं जिनको जो है पृथक पृथक काम दिए गए हैं और सभी टीमें लगातार काम। कारोबारी जीतू सोनी और भाजपा के पार्षद मनोज मिश्रा के बीच 3 साल से जंग चल रही है। मिश्रा ने सोनी के खिलाफ कई शिकायतें कर रखी थीं, जिसमें एक कनाडिया रोड स्थित कोठी की भी थी। बताया जा रहा है कि खजराना के सर्वे नंबर 170/1 की सरकारी जमीन पर सोनी की कोठी बनी है। हनी ट्रैप के बाद जो ऊपर से हरी झंडी मिली तो शिकायत की जाँच शुरू हो गई। सरकारी रिकॉर्ड से मौके पर मिलान किया गया, जिस पर यह सिद्ध हो गया कि शासकीय सीलिंग की जमीन पर कोठी बनाई गई। इसको लेकर कल जूनिंदौर तहसीलदार ममता पटेल ने सोनी को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का नोटिस जारी कर दिया। 5 दिसंबर की तारीख लगाई गई है, जिसमें उन्हें जवाब पेश करना है। जवाब नहीं देने की स्थिति में एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक जिला प्रशासन कोठी को नस्ते नाबूद करने के मूड में है, उसी रणनीति के तहत नोटिस थमाया गया है।
पुलिस ने माय होम के होटल मालिक अमित सोनी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था और 6 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर रखा है। पुलिस ने होटल संचालक जीतू सोनी पर 20,000 का इनाम घोषित किया है। निगम के बर्खास्त अधिकारी हरभजन की शिकायत पर पुलिस ने जीतू सोनी के कई ठिकानों पर छापे मारे। यहां कई चौंकाने वाली चीजें भी मिली हैं। जीतू सोनी के मैनेजर जे वरद प्रसाद राव को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। लोगों की काफी भीड़भाड़ थी। पलासिया पुलिस ने अमित सोनी का 9 दिसंबर तक रिमांड, वकील ने मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस रिमांड का पुरजोर विरोध करते हुए दलील दी कि अमित सोनी की होटलों में कोई भूमिका नहीं है। जो होटल से लड़कियां महिलाएं पकड़ाई गई हैं वे बाहरी राज्यों की युवतियां हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 4 से अधिक मामले जीतू सोनी और अमित सोनी पर पलासिया MIG कनाड़िया थाने में दर्ज हैं। अब पुलिस पकड़ी गई युवतियों से बयान ले रही है। वहीं महिला बाल विकास के अधिकारियों को भी बुलाया गया है जिससे उनकी काउंसलिंग करवाई जा रही है। और उनका निवास स्थान, इन दोनों स्थानों पर भी दर्ज दी गई थी। कार्यालय से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद हुई है जो थाना MIG के प्रकरण से संबंधित होना संभावित है। उनको विधिवत उनको जब्त किया गया है। साथ ही 3 सेफ भी उनके कार्यालय में पाई गई है जिसमें प्रकरण से जुड़ा कोई मटेरियल हो सकता है। उसको देर रात जाने से उसको सीलबंद किया गया था और परिजन की उपस्थिति में विधिवत कार्रवाई करके उसको खोला जाएगा और एग्जामिन किया जाएगा। साथ ही इनके घर पर दबिश दी जाने पर इनके यहाँ से 36 जिंदा कारतूस और 6 खर्चशुदा कारतूस पाए गए हैं जो कि उनके घर में मौजूद लाइसेंसी पिस्टल से के बोर्ड से अलग हैं। और इस प्रकार से अवैध कारतूस पाए जाने पर इसमें उसको विधिवत जब्त किया जा करके उसमें आर्म सेक्ट की कायमी भी की गई है। एक अन्य बार और रेस्टोरेंट में जो ऑटो बार है उसमें ये पाया गया कि जो उसमें कर्मचारी रखे गए हैं उन कर्मचारियों की सूचना थाने पर नहीं दी गई थी जिसके लिए 144 CRPC के जिला दंडाधिकारी के ऑर्डर्स उसमें लागू हैं और उसका उल्लंघन पाए जाने पर धारा 188 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। ये अपने आप में अत्यंत गंभीर ये बात पाई गई है कि शहर के बीचों बीच एक ऐसा रेस्टोरेंट और बार के नाम से लड़कियों को बंधक बना करके 67 लड़कियों को और 7 माइनर बच्चों को बंधक जैसा बना करके उनको रखा जाता है जिसमें लड़कियों से प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने बताया है कि उसमें जो जहां उनका रहवास है सिर्फ एक ही निकलने का रास्ता है जिस पर सदैव बाउंसर्स लगे रहते हैं। यदि कभी किसी लड़की को किसी वजह से किसी इलाज की आवश्यकता है, कोई बाहर आने जाने की किसी प्रकार के सामान की आवश्यकता है, वैसे उनके द्वारा बताया गया है कि सामान भी इन्हीं लोगों के द्वारा लाया जाता है, परंतु यदि किसी कारणवश उनको कहीं बाहर आना जाना पड़ता है तो वो सदैव बाउंसर्स के साथ ही उनकी निगरानी में ही जा सकती हैं और इस प्रकार मजबूरी में वो जीवन यापन कर रही हैं। और उनकी खुद की गरीब पृष्ठभूमि के कारण साल में एक बार या दो बार जब वो अपने घर जाती हैं तो वहाँ पर वो अपना जो कुछ भी मुश्किल से जो वहाँ यहाँ टिप के माध्यम से कमाती हैं वो घर में शेयर करती हैं। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए इसमें जो प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं उसमें विवेचना की कार्यवाही जारी है। मुख्य आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है।